हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज से ही डियर डीपी सर क्लासेज की तरफ से आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। आज से ही हमारी क्लास डियर डीपी सर क्लासेज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आएगा, और जो भी नए नए अपडेट आएंगे, जो न्यू जीके के क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के, वो सभी आपके लिए रोजाना सुबह 4 बजे आपके सामने हाजिर हो जाएगा वीडियो। अतः आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। आज है 1 जनवरी 2020, और 1 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं, यानी देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार सूद, ऑप्शन बी देवेंद्र चंद्र पांडे, ऑप्शन सी एस चंद्र चंद्रशेखर, और डी विपिन रावत। तो ऑप्शन डी सही है मित्रों, विपिन रावत। थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, और उनको देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की ओर से रक्षा मंत्री के सलाहकार होंगे। गौरतलब है कि जो सीडीएस का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें तीनों सेनाओं में सामंजस्य को समन्वय को लेकर कमी महसूस की गई थी, और उस समय जो मंत्रिमंडल समूह था उसने भी इसका सुझाव दिया था। इसी को ध्यान में रखकर 15 अगस्त, जो हमारा 15 अगस्त को हमारे देश के पीएम ने लाल किले से इस पद के गठन की घोषणा की थी, और उसी को ध्यान में रखकर विपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया, स्टाफ बनाया गया। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विपिन रावत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है? ऑप्शन ए जूलियाना पेगी, ऑप्शन बी जेनिफर ब्राइट, ऑप्शन सी जूडा डी सिल्वा, और ऑप्शन डी क्रिस्टिना कोच। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है कि देश जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला कौन बनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टिना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री बन गई है। देखिए, क्रिस्टिना कोच का संबंध ये नासा से इसका संबंध है, और ये नासा की फ्लाइट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, और इसके साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई है। ये अंतरिक्ष में 200 दिन रहने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है क्रिस्टिना कोच, विश्व अंतरिक्ष में सबसे लंबी समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्न में से किसने ली? ऑप्शन ए शरद पवार, ऑप्शन बी आदित्य ठाकरे, ऑप्शन सी संजय रावत, ऑप्शन डी अजीत पवार। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अजीत पवार को अभी हाल ही में महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, जो आदित्य ठाकरे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों के गठबंधन की सरकार है, जिसका मुखिया आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया, और अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अजीत पवार चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करके यह 3 दिन तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, यानी अपने चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने थे। और महाराष्ट्र के जो सीएम की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम आदित्य ठाकरे हैं, और डिप्टी सीएम की बात करें अजीत पवार, और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर चार, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन चार का सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की, जिसके अनुसार कर्नाटक में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे देश के वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं और उनके द्वारा ये वन रिपोर्ट जारी की गई। ये जो रिपोर्ट है हर दो वर्ष में जारी की जाती है, और यह रिपोर्ट है ये जो भारत का वन सर्वेक्षण संगठन है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों में देश में हरित क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5188 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में अब वन क्षेत्र लगभग 24.56% हो गया है। देश में भारत की जो क्षेत्रफल है उसका 24.56% वन क्षेत्र हो गया है भारत में। और इस आकलन में एक विशेष बात रही कि पूर्वोत्तर में वनों का दायरा कम हुआ है। पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वन क्षेत्र घटा है। और यह रिपोर्ट प्रति दो सालों में ISFR द्वारा ये जारी की जाती है। और इस श्रृंखला की यह 16वीं रिपोर्ट थी। पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरल विपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए देवेंद्र चंद्र पांडे, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन डी अनिल कुमार सूद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोज कुमार मुकुंद नरवाने को देश का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहले जनरल विपिन रावत थे, जिनको हाल ही में देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी झारखंड सरकार, ऑप्शन सी हरियाणा सरकार, ऑप्शन डी कर्नाटक सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है। देखिए, हम जानते हैं सरकारी कार्यों में अनावश्यक देरी होने के कारण फाइलें अनावश्यक अटकती रहती है, उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने रन थ्रू फाइल प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत अब जो सरकारी फाइल्स है उनमें अनावश्यक देरी नहीं होगी और काम शीघ्रता से संपन्न होगा। हम सभी को पता है हरियाणा में अभी जो हरियाणा सरकार है उसके मुखिया हरियाणा सरकार के जो मुखिया है वो मनोहर लाल खट्टर, और डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं अभी हाल ही में, तो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। और राज्यपाल की बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल है सत्यनारायण आर्य, हरियाणा के राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन जो टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए पीटर सीडल, ऑप्शन बी एंड्रयू फ्लॉक, ऑप्शन सी कुर्टिस पीटरसन, ऑप्शन डी मार्क्स हैरिस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए पीटर सीडल, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, उन्होंने
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब देखिए, ये पीटर शिडल शिडल ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले टेस्ट की शुरुआत हमारे देश में मोहाली से की थी, और पहले ही टेस्ट में इन्होंने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये भी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में संन्यास की घोषणा इनके द्वारा की गई। तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 8वें नंबर के क्वेश्चन की। यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए जर्मनी को पछाड़ कर भारत 2026 तक दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2036 तक भारत जापान को पछाड़ कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2026 तक तो चौथी, और 2036 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चौथी अर्थव्यवस्था जर्मनी को पछाड़ कर और तीसरी अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़ कर बन जाएगा। इस प्रकार ये जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 27वां संस्करण है, और इस 27वें संस्करण का आयोजन, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है, जो केरल की राजधानी है। इसका आयोजन 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 तक किया गया था, क्योंकि आज 9 वर्ष हो गया है और ये 31 तारीख का है, इसलिए इसका आयोजन 27वीं संस्करण का आयोजन 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 तक किया गया था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजपाल यादव, ऑप्शन बी राकेश रोशन, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, और ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, और इस पुरस्कार की शुरुआत दादा साहेब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1969 में दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, और पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, और अभी हाल ही में 2018 का जो पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और इससे पहले 2017 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, तो 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का हमारा क्वेश्चन है, विजडन की T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड में दो भारतीयों को शामिल किया गया है,
उन दो भारतीय खिलाड़ियों को आपको नाम बताना है, कमेंट करके उन खिलाड़ियों को नाम बताना है, और विजेताओं के नाम, जो भाग्यशाली विजेता रहेंगे उनको हमारे चैनल की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी में और चार चांद लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।